गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने दो विधियां देख ली थी, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि। समीकरण द्विघात समीकरण है, उसको किस प्रकार से हल करते हैं। आज हम इसकी लास्ट विधि देखेंगे। 3.3 की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले इसका बेसिक ही देख रहे हैं। आज हम इसकी थर्ड विधि की बात करेंगे। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, को हल करना, या इसे क्या बोल देते हैं, द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, द्विघाती सूत्र। याद रह जाएगा, श्री द्राचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, या इसका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, द्विघाती सूत्र। देखो, हमें पता है हमारे पास द्विघात समीकरण इस रूप में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो। ये लास्ट लेक्चर में बताया था, ए नॉट इक्वल होता है यहां पर जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये हमारी क्या रह जाएगी, रेखीय समीकरण। ठीक है, ये जो यहां पर ए बी सी है, ये क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। ए बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर श्रीधर आचार्य सूत्र से आपने द्विघात समीकरण को हल करना, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है विव्यक्तिकर। क्या होता है, विव्यक्तिकर। चलो ये विव्यक्तिकर बाद में बताऊंगा, इसके बाद श्रीधर आचार्य सूत्र के बाद मूलों की प्रकृति, इसकी बात में करें। क्या करना है आपने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वैल्यू है, यहां तो जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, और यहां ये जीरो के बराबर हो सकती है। यहां ये किसके बराबर हो सकती है, जीरो के बराबर हो सकती है। यहां ये जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक है, तो ही आप द्विघाती सूत्र लगा सकते हो, नहीं तो आप द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते। देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए जीरो के, तो आप द्विघाती सूत्र होगा हमारा एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ये फॉर्मूला हमारा चलेगा। ठीक है, एक बार प्लस में लेके सोल्व करोगे, एक बार माइनस साइन लेके सोल्व करोगे, दो मूल आएंगे यहां से आपके पास। कितने मूल आएंगे, दो मूल। समझ आ गया, द्विघात समीकरण होगी इस रूप में दी हुई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। यहां तो ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में, प्लस में होगी। माइनस में हो जाएगी तो आपके मूल हो जाएंगे काल्पनिक, और उसको आप ज्ञात नहीं करोगे। काल्पनिक हल आएंगे आपके नेक्स्ट 11th क्लास में, तो आपने काल्पनिक हल ज्ञात नहीं करने, जो वास्तविक नहीं होते। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, वास्तविक क्या होते हैं, काल्पनिक। अब देखो यहां पर, यहां तो ये प्लस में होनी चाहिए, यहां क्या होनी चाहिए, खुद बराबर होनी चाहिए जीरो की, तो ही आप ये सूत्र अप्लाई करो। याद रहिएगा ये फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग विधि भी हमारी इंपॉर्टेंट रही। अब बात करते हैं विव्यक्तिकर और मूलों की प्रकृति। अब किसको देखेंगे, सबसे पहले विव्यक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति। तो देखो, विव्यक्तिकर हेडिंग लगाओगे यहां पर, विव्यक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति, विव्यक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति।
देखो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, ये द्विघात समीकरण होती है। विव्यक्तिकर की बात करें, विव्यक्तिकर को किससे दर्शाएंगे, डी से। विव्यक्तिकर को किससे दर्शाएंगे, डी से। विव्यक्तिकर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी इक्वल क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। विव्यक्तिकर का फॉर्मूला क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। विव्यक्तिकर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डी से। अब देखो फर्स्ट कंडीशन इसमें आती है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या यहां पर इसको क्या बोल दें, डी, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी विव्यक्तिकर ही है ये डी, क्या हो, ग्रेटर देन हो जीरो से, किसमें हो, धनात्मक हो, जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाए, किससे बड़ी वैल्यू आ जाए, जीरो से, तो आप इसमें क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप द्विघाती सूत्र से हल करोगे, किस सूत्र से हल करोगे, द्विघाती सूत्र से हल करोगे, क्या करोगे, द्विघाती सूत्र से हल करोगे, तो आपके पास जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, दो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक, वह क्या होंगे, अलग अलग, डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी आपका विव्यक्तिकर क्या है, जीरो से बड़ा है, धनात्मक है, तो आप द्विघाती सूत्र से हल करोगे और उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व अलग अलग, याद रह जाएगी फर्स्ट कंडीशन भी, जब क्या होगा, धनात्मक। सेकंड कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी विव्यक्तिकर डी इक्वल आ जाए जीरो के, यहां पर क्या था, जीरो से बड़ा, धनात्मक, अगर आ जाए बराबर जीरो के तो भी आप द्विघाती सूत्र से हल करोगे, या श्रीधराचार्य सूत्र बोल सकते हो, तो भी किससे हल करोगे, द्विघाती सूत्र से। इसकी प्रकृति की बात करें तो इसके मूल, ये इसकी प्रकृति होगी, इसके मूल वास्तविक व अलग अलग हो गई, इसकी प्रकृति क्या होगी, मूल क्या होंगे, वास्तविक, मूल क्या होंगे, वास्तविक व बराबर, दोनों के दोनों एक जैसे ही आएंगे। अगर पहला मूल आपका तीन आया तो दूसरा भी तीन होगा, अगर पहला एक बटे दो है तो दूसरा भी कितना होगा, एक बटे दो ही होगा। ये इसमें दो कंडीशनें होगी। थर्ड कंडीशन, पहले तो देख लिया हमने ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, फिर दूसरी कंडीशन हमने देख ली बराबर आ जाए जीरो के, इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, द्विघाती सूत्र लगाना है, इसमें भी द्विघाती सूत्र लगाओगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। थर्ड कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अर्थात विव्यक्तिकर डी लेस देन आ जाए जीरो से, किस में आ जाए, ऋणात्मक, माइनस में आ जाए, किस में आ जाए वैल्यू हमारी, माइनस में, तो इसको हल नहीं करोगे, हल नहीं करोगे, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। और इसकी प्रकृति की बात करें तो इसके जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे, आइटा वाली संख्या आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और वो आगे आप 11th क्लास में पढ़ोगे इसकी डिटेल। लेकिन आपके यहाँ पर क्या है, इसमें मूल आप हल नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, आपके काल्पनिक हो जाएंगे, और काल्पनिक हो गए तो आप उसको सोल्व नहीं करोगे। क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने आज, द्विघाती सूत्र पढ़ लिया, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने देख ली मूलों की प्रकृति, तीनों स्टेप देख लिए, और विव्यक्तिकर देख लिया किस प्रकार से ज्ञात करें। अब 3.3 के क्वेश्चन और देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण को जांच करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो भी इसमें बोल रहा है द्विघात समीकरण बतानी है आपने है या नहीं, और द्विघात समीकरण मैंने आपको बताई है कौन सी होगी, किस रूप में होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल में एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। सोल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स प्लस एट ए प्लस बी ए माइनस बी। सर्वसमिका याद होगी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू की स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट, इसको इस साइड ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो की स्क्वायर चार होगी, माइनस के चार हैं इस साइड जाके प्लस के चार इक्वल में जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहां से एक्स प्लस आठ प्लस चार प्लस के बारह इक्वल में जीरो। देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, यहाँ ए नॉट इक्वल होता है जीरो के, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसका अर्थ है हमारे पास इसमें ए किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, बी जीरो के इक्वल हो सकता है, सी भी जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो ये ए है ये नॉट इक्वल जीरो रहना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये जीरो के इक्वल हो गया, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। सोल्व ही करना था और देखना है अभी ये रूप हमारे पास बन रहा है या नहीं, इसका ये रूप बन सकता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल में जीरो, क्योंकि बी यहाँ मान लेते हैं जीरो हो गया, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल में जीरो, यहां मान लेंगे b क्या हो गया जीरो के, c क्या हो गया इसमें मान लेंगे जीरो के इक्वल, लेकिन a जो है ये हमेशा नॉट इक्वल जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस टू की होल क्यूब, x प्लस टू की होल क्यूब इक्वल में x क्यूब माइनस फोर, एक्स प्लस टू की होल क्यूब इक्वल में एक्स क्यूब माइनस फोर, इक्वल में क्या एक्स क्यूब माइनस फोर, एक्स प्लस टू की होल क्यूब या ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में। चलो एक बार ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, ये सर्वसमीकरण a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी की होल क्यूब देख ही ली, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। फिर नेक्स्ट इसमें ए माइनस बी की होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो भी ये सर्वसमीकरण कब से चली आ रही, तो इससे अच्छा है एक बार ही इनको याद करो अच्छे से, भी दोबारा इनको पढ़ना ना पड़े न ही इनको लिखना पड़े। ठीक है, ये सर्वसमीकरण चल रही, देखो यहां पर है x प्लस टू की होल क्यूब,
एक्स प्लस टू की होल क्यूब। तो सोल्व करते हैं इसको, ए प्लस बी की होल क्यूब हमें पता है, और ए की जगह पे क्या दिया है यहां पर एक्स, और बी की जगह पे दिया है टू। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ए की क्यूब एक्स की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल में एक्स क्यूब माइनस फोर। तो एक्स क्यूब प्लस टू की क्यूब टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, ठीक है, प्लस एट प्लस तीन इंटू दो छः एक्स इंटू एक्स प्लस दो इक्वल में एक्स क्यूब माइनस, प्लस का एक्स क्यूब, प्लस का एक्स क्यूब क्योंकि इस साइड आके ये माइनस होगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर कैंसल। तो आठ प्लस छः एक्स इंटू एक्स, छः एक्स की स्केयर प्लस छः एक्स इंटू दो, छः दुए बारह एक्स, माइनस के चार हैं इस साइड आके, प्लस के चार इक्वल में जीरो। तो छः एक्स स्केयर प्लस बारह एक्स प्लस आठ प्लस चार प्लस के बारह इक्वल में जीरो। यहाँ यहाँ से छः कॉमन लें तो ब्रैकेट में एक्स स्केयर प्लस दो एक्स प्लस दो इक्वल में जीरो, छः गुणा में है जीरो के भाग में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस दो एक्स प्लस दो इक्वल में जीरो। अब ये बताना है द्वि का समीकरण है या नहीं, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, ये होती है द्वि का समीकरण। एक्स स्केयर की टर्म भी है, सारी टर्म है हमारे पास, ठीक है, इसके गुणा में ए की वैल्यू एक मान सकते हैं, एक इंटू एक्स स्केयर क्या होता है एक्स स्केयर ही होता है। तो ये क्या है हमारी एक द्विघात समीकरण है, तो ये हमारी एक क्या होगी द्विघात समीकरण है। तो इसके नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन खुद करोगे, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।